अब बढ़ते हैं आगे। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में मतदान से ठीक पहले कल रात को सियासी ड्रामा खड़ा हो गया। साक्षी पुलिस ने निर्दलीय खड़े प्रत्याशी सरयू राय के समर्थन के लाइसेंसी बार और रेस्टोरेंट द ब्लूज के गोदाम पर छापा मारकर 8 लाख रुपए की शराब जब्त की है। साक्षी थानेदार राजीव कुमार का कहना है कि गोदाम से शराब की अवैध बिक्री हो रही थी। जिस वक्त पुलिस कार्रवाई कर रही थी उस वक्त रेस्टोरेंट में मालिक अशोक भाटिया सरयू राय के साथ बैठे हुए थे और साथ ही उधर जानकारी मिलते ही सरयू राय भी समर्थकों के साथ वहां पर पहुंच गए और कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि पुलिस जानबूझकर उनके समर्थकों को परेशान कर रही है ताकि चुनाव में इसका प्रभाव पड़े। और मौके पर आबकारी विभाग की टीम भी पहुंची है। आबकारी इंस्पेक्टर ने जांच के बाद रेस्टोरेंट को क्लीन चिट देते हुए कहा कि शराब में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है और पुलिस की कार्रवाई